हाय, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लूज स्टबर्न फैट फास्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट वांट टू टेल कि अभी साल का एंड होने वाला है एंड हम सब ने प्लेज लिया होता है साल के स्टार्टिंग में कि हम फिट होंगे एंड वी विल हैव दीज गोल्स ऑफ लूजिंग दैट फैट और गेनिंग द मसल एंड स्टफ। एंड अगर आप ऐसे इंसान हैं जो मिस कर गए हैं उस प्लेज को या जो भी आपने गोल सेट किया था, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अभी भी हमारे पास 3 से 4 महीने इस साल के एंड होने में एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माई फिटनेस गोल्स। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दिस ईयर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिशिंग दिस गेम स्ट्रॉन्ग। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो मिस आउट कर गए हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आई वॉन्ट टू यू गाइज टू कमेंट डाउन एंड टेक द प्लेज कि आप जो हैं इस साल के एंड होने तक अपने जो भी गोल्स आपने मिस किए हैं उन पे वापस आ जाएंगे एंड यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड फॉर द सेम थिंग यू नो द माय प्रोटीन इज सेलिब्रेटिंग आर माय प्लेज सेल दैट दे हैव गोइंग ऑन एंड दे आर गिविंग ह्यूज 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स एंड दे हैव जस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड a lot of different new products. The first one is the ashwagandha. They have introduced the energy gel jo aapki exercise mein bahut help kar sakta hai, aapko refuel karne ke liye, aapke glycogen stores ko replenish karne ke liye help kar sakta hai. They have just introduced the rava idli mix, the high protein rava idli mix, which can be a great breakfast starter for you. Aap isko kisi bhi meal mein include kar sakte hain. It's a tasty product. Iske ilawa they have introduced the collagen powder, and collagen is actually a great product for your skin, for your nails, for your hair. So you can go and check out, and jo link hai maine description mein de diya, you can use our code and you will get 30% discount from my protein. To chaliye ab aage badhte hain, let's know ki hum stubborn fat ko kaise burn kar sakte hain. Sabse pehle samajhte hain ki stubborn fat hota kya hai. To aapki body mein kuch hisse aise hote hain jahan se fat easily ud jata hai aur kuch हिस्से ऐसे होते हैं जहां से फैट को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो फैट को मोबिलाइज या फैट को बर्न करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो भी फैट सेल्स हैं उन फैट सेल्स में फैटी एसिड्स होते हैं, तो उन फैटी एसिड्स को बाहर निकालना पड़ता है फैट सेल्स के, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में आए और हम एक्सरसाइज के थ्रू उन फैटी एसिड्स को बर्न करें और फैट लॉस हो सके। अब जो फैट सेल्स होते हैं इन पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है अल्फा रिसेप्टर्स और एक होता है बीटा रिसेप्टर्स। तो जिन फैट सेल्स पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वहां से फैट को मोबिलाइज या लाइपोलिसिस प्रोसेस करना मुश्किल होता है, और जिन बॉडी पार्ट्स में या जिन फैट सेल्स पे हमारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वहां से हमारे फैट को लूज करना या मोबिलाइज करना ईजी होता है। अब जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है या जब हम स्टबर्न फैट की बात करते हैं, तो स्टबर्न फैट सेल्स या स्टबर्न फैट एरियाज वो होते हैं जहां पे हमारे ज्यादातर सेल्स के ऊपर अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप इन अल्फा रिसेप्टर्स वाले फैट सेल्स को मोबिलाइज या फैट बर्न करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड आप वो स्टबर्न फैट जो आपके एब्डोमिनल एरिया पे होता है, लोअर बैक एरिया में होता है, आपके थाइस पे या हिप्स पे होता है, उसको आप इजिली बर्न कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि कैलोरी डेफिसिट जो है वो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फैट लॉस करने के लिए। आप जितना खाना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करने की ज़रूरत है, तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी भी निकलती हैं उससे आपको कम खाने की ज़रूरत है। अगर आपको पता नहीं है कि आपने किस तरह अपनी कैलोरीज निकालनी है, कैलोरी डेफिसिट निकालना है, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने समझाया है कि आप किस तरह अपनी कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसका कार्ड मैं यहाँ पर लगा दूंगा, नहीं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कीजिए। और सबसे पहले अपनी कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू कीजिए और तभी उस स्टबर्न फैट को आप रिमूव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक विंडो है जिसमें आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे, यू विल फास्ट एंड देन यू हैव अ विंडो जिसमें आप अपनी सारी कैलोरीज को कंज्यूम करेंगे। और बेसिक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो 16:8 होती है, यानी कि 16 आवर्स आप फास्ट करेंगे, यानी कि कोई भी कैलोरीज कंज्यूम नहीं करेंगे। आप कैलोरी लेस ड्रिंक्स कंज्यूम कर सकते हैं उस टाइम में, जैसे ब्लैक कॉफी हो गई, लेमन वाटर हो गया, बट कोई भी कैलोरीज वाली चीज नहीं कंज्यूम करेंगे। और जो आपके बचे हुए 8 आवर्स रह गए हैं 24 आवर्स में से, उनमें आप अपनी सारी कैलोरीज को कंज्यूम करेंगे। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या देखा गया है? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन है, फैटी एसिड्स का मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो फैट लॉस का मतलब कि जो हमारे फैट सेल्स होते हैं
उसमें से सबसे पहले हमें फैटी एसिड्स को निकालना पड़ता है, वो फैटी एसिड्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, फिर वो बर्न होते हैं। तो वो जो फैटी एसिड्स हमारे फैट सेल्स में से निकलते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में पाए गए हैं। तो वो ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड्स की है वो ज़्यादा ईजिली होती है अगर आप फास्टेड स्टेट में होते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके जो एब्डोमिनल एरिया होता है यहाँ पे से आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा बेटर होता है अगर आप फास्टेड स्टेट में होते हैं। तो मतलब जितना बढ़िया ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा आपके फैट सेल्स की मोबिलाइजेशन होगी। तो ये जो दो बड़े फैक्टर्स हैं ये आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, इसलिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर आपके वो स्टबन फैट, लास्ट वाला जो फैट होता है आपके एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन्स पे या लोअर बैक रीजन्स पे या हिप्स पे या थाइस पे रह जाता है। देन डेफिनेटली ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इट विल हेल्प यू टू लूज फैट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर एब्स ट्रेनिंग। अब जिस तरह आप लीन होते जाएंगे आपकी बॉडी फैट को लूज करना स्लो करती जाएगी बिकॉज दैट इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अब अगर आप उस एब्डोमिनल एरिया या वो बेली फैट को और कम करना चाहते हैं, अपने एब्स को देखना चाहते हैं, सो द बेसिक पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आप अपने एब्स को कम से कम 2 से 3 बार ट्रेन करना शुरू कीजिए, यानी कि आप जितने भी बार अपने एब्स की ट्रेनिंग कर रहे थे हफ्ते में उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कीजिए। तो अगर आप 1 बार लगा रहे थे तो कम से कम 2 बार ट्रेन करना शुरू कीजिए, आप 2 बार लगा रहे थे तो कम से कम 3 बार ट्रेन करना शुरू कीजिए। ये इसलिए बिकॉज जब आप डायरेक्ट एब्स ट्रेनिंग देते हैं अपने एब्डोमिनल रीजन पे तो वहां पे ब्लड फ्लो बेटर होता है, और अगर ब्लड फ्लो बेटर होगा तो वो जो फैटी एसिड्स हैं फैट सेल्स में से ईजिली बाहर आ सकते हैं एंड देन यू कैन बर्न देन ऑफ। सो इंक्रीज योर एब्स ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। Now the next point is related to the previous point. जब आप abs training करते हैं तो जैसा मैंने बोला कि आपके blood flow better होता है, और blood flow better होगा तो free fatty acids आपके fat cells में से easy निकल आपके blood stream में आ सकते हैं। अब abs training करने के बाद अगर आप low intensity cardio करेंगे तो वो जो fatty acids आपके blood stream में आए हुए हैं तो उन्हें burn होने में ज़्यादा help होती है and you can burn them off easily। तो indirectly अगर आप अपने एब्स ट्रेनिंग खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद 20 टू 30 मिनट्स की लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें, मतलब ट्रेडमिल पे ब्रिस्क वॉक हो गया, आपके क्रॉस ट्रेनर पे एक मीडियम स्पीड पे आप कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कोई भी कार्डियो मशीन करते हुए कि जहां पर यू कैन जस्ट होल्ड अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद समवन एल्स। तो अगर ऐसी किसी स्पीड पे आप 20 टू 30 मिनट्स अपनी एब्स ट्रेनिंग के बाद कंटिन्यू करेंगे देन यू कैन help in losing that stubborn fat easily. Now the next thing that I want to introduce, and this is something known as increasing your NEAT, yani ki non-exercise activity thermogenesis. ये वो calories हैं जो आप gym के बाहर burn करते हैं। तो जिम में आप जो भी कैलोरीज करते हैं वो एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बहुत एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उन कैलोरीज का आपकी ओवरऑल कैलोरी बर्न में जो आप दिन में करते हैं। आप दिन में जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉक कर रहे होते हैं या आप टेलीविज़न देख रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं या आप इवन जब बात कर रहे हैं या इवन जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आपकी बॉडी एक्चुअल में फैट लॉस कर रही है। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ टू लूज दैट स्टबर्न फैट इज टू स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट NEAT। और सबसे इजी इसका क्या तरीका है कि आप एक स्टेप ट्रैकर या एक स्मार्ट वॉच अपने पास रखिए जिसमें आप अपने स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं। एंड अगर आपने आज तक कभी नहीं किया है, आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप दिन में 10,000 स्टेप्स का टारगेट लेके चलेंगे एंड अगर आप वो सबक्यूटेनियस फैट लेयर या स्टबन फैट को लूज करने में दिक्कत आ रही है, यू विल सी द मैजिक, बिकॉज जो वो NEAT है वही आपके मेजरली फैट लॉस में हेल्प कर पाएगा। वाई क्यों, लेट्स से अगर आपने आज 10,000 स्टेप्स चले हैं एंड उससे आपने 100 टू 150 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर ली हैं और उसको आपने ट्रैक किया है, तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप हफ्ते तक यही चीज़ करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 700 टू 800 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे, और ये अगर हम महीने की बात करें तो अराउंड 3200 टू 3500 कैलोरीज आप बर्न करेंगे, एंड 3500 कैलोरीज बर्न करने का मतलब आप ऑलमोस्ट 1 पाउंड ऑफ फैट को लूज कर सकते हैं। So, ये छोटा छोटा जो आप चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करेंगे, स्पेशली ये NEAT को इंक्रीज करने के, अपनी स्टेप ट्रैकिंग करने में, ये एड ऑन होता जाएगा और आपका जो स्टबन फैट है जो बहुत मुश्किल से जाता है तो वो 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाएगा आपकी फिजीक में, आपके लुक में। अब जो नेक्स्ट चीज आपको हेल्प कर सकती है स्टबन फैट लॉस करने में वो है कैफीन। क्यों? क्योंकि उसके दो सबसे बड़े फायदे हैं।
सो कैफीन इज अ स्टिमुलेंट जो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे आपके स्टबन फैट है, यानी कि जो आपके ये लोअर बेली फैट एरिया होता है या आपके थाइज होते हैं या आपका लोअर बैक वाला एरिया होता है। और किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड फ्लो बढ़िया होगा तो फैटी एसिड्स को फैट सेल्स में से निकालना ईजी होगा और उन्हें बर्न करना ईजी होगा। इन शॉर्ट कि आप फैट लॉस आराम से कर सकते हैं उस स्टबन फैट का। सेकेंडली, ये आपके डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि आप टोटल कैलोरीज जो बर्न करते हैं पूरे दिन में उसको इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज इट एक्चुअली इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म। नाउ द बेस्ट वे टू कंज्यूम कैफीन इज टू हैव इट इन द मॉर्निंग, ओके, इन द फास्टेड स्टेट इफ यू कैन। आप अपने वर्कआउट या कार्डियो सेशन से 30 मिनट्स पहले 100 mg टू 200 mg कैफीन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका वेट 70 kg से नीचे है देन यू कैन यूज 100 mg कैफीन। अगर आपका वेट 70 kg से ऊपर है देन यू कैन यूज अप टू 200 mg कैफीन। तो अपने टॉलरेंस लेवल के हिसाब से उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि क्या हम कॉफी पी सकते हैं कैफीन के लिए। डेफिनेटली आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन के साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और सिर्फ उस स्टबन फैट एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक कैफीन सप्लीमेंट ले लीजिए। अच्छा, बिकॉज उससे आपको पता लग जाएगा कि 100 mg कितना कैफीन जो होता है और 200 mg कैफीन कितना होता है। बिकॉज अगर आप कॉफ़ी ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें जो कैफीन की क्वांटिटी है वो अनसर्टेन होती है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको पर्टिकुलर ब्रांड की एक कप ऑफ कॉफ़ी पीनी है या दो कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, थ्री कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी पीनी है अपनी कैफीन के टारगेट को हिट करने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप एक सप्लीमेंट ले लीजिए एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रैक योर कैफीन कॉन्टेंट। So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड as I said कि माई प्रोटीन इज हैविंग अ सेल गोइंग ऑन एंड दे आर गिविंग 30% डिस्काउंट टू ऑल आर सब्सक्राइबर्स। सो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है हिट कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन जाए। एंड गाइज प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ, जहाँ पे मैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे एंड यू विल एंजॉय दैट। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।